अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है एक इकोस्टार का सेट। अगर आपको नज़र आ रहा है, ये 32 इंच 40 इंच सेट में यही बोर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसकी पावर सप्लाई आप देख रहे हैं, इसकी पावर सप्लाई मुकम्मल ब्रस्ट है, जली हुई है और ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं है। अगर आप इसको अपने तरीके से रिपेयर कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। और आपके पास इसके कंपोनेंट नहीं है, आपके पास इसका सामान नहीं है, तो आप इसको किस तरह रिपेयर करेंगे उसके लिए ये वीडियो आपको गौर से देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने पहले कुछ वीडियो बनाई हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हैं, मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जो कि हम 5 वायर वाली सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, 3 वायर वाली करते हैं, 4 वायर वाली करते हैं। लेकिन आज की जो सप्लाई है ये 5 वायर वाली है, लेकिन ये को दूसरी सप्लाई है, ये CA901। अगर आप देख रहे हैं CA901, तो ये सप्लाई आज हम लगाएंगे। और इसका जो लगाने का तरीका है वो कुछ मुख्तलिफ है, जो हम आम 5 वायर वाली सप्लाई इस्तेमाल करते हैं उससे ये मुख्तलिफ है। तो ये किस तरह हम लगाते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये सप्लाई लगाते हैं और काम नहीं करती ये सप्लाई, उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको आज ख़ासकर वही ट्रिक बताऊंगा जो सप्लाई ये काम नहीं कर रही। क्योंकि अक्सर मैंने मैसेज में देखा है, कमेंट्स में देखा है कि ये सप्लाई काम नहीं कर रही, तो जो हिडन ट्रिक है इसमें वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसकी सप्लाई की जो जंप रिंग है, अगर आप देख रहे हैं ये जंपर, इसके जो डिफ़ॉल्ट जंपर होते हैं वो 24 वोल्ट पे होते हैं, तो वो हमने 24 वोल्ट से हटा के हमने 12 वोल्ट पे कर देने हैं। यहाँ वाला जंपर यहाँ पे और ये वाला जंपर यहाँ पे कर देना है। तो अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है, या वो रजिस्टर ख़राब या आपसे गुम हो गई है, तो आप डायरेक्ट इसको, क्योंकि 0 ओम की रजिस्टर होती है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दूसरी सप्लाई है मेरे पास, तो ये 0 ओम की रजिस्टर है, तो 0 ओम को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट जंपर कर दिया है, तो ये तो आप समझ गए। इसके बाद इसकी जो कनेक्शन है वो आपने समझने हैं कि कनेक्शन किस तरह हमने करने हैं। तो सबसे पहले जो इसकी जो वायरें हैं आपने ये समझना है कि हमने कहाँ कहाँ पे लगानी है। तो मेन जो बेसिक चीज़ है इसमें जो, वो ये है कि आपने ये सप्लाई पहले चालू करनी है। इसमें जो 220 वोल्ट हैं ये आपने यहाँ तक ले आने हैं। जब तक आप कैपेसिटर पे 220 वोल्ट नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक ये सप्लाई आपका वर्क नहीं करेगी, ये सप्लाई काम नहीं करेगी। इसके लिए आप ये देखें, ये ब्रिज डायोड, ये डायोड भी अक्सर ख़राब होते हैं, ये आपने दूसरे लगा देने हैं या ब्रिज लगा देना है। इसके अलावा ये फ्यूज़ भी ख़राब हो जाता है, ये भी आपने चेक करना है। बहरहाल आपने यहाँ तक 220 वोल्ट पहुँचाने हैं, ये ज़रूरी है। इसके बाद आप ये सप्लाई जब लगाएंगे तो आपकी सप्लाई वर्क करेगी और काम करेगी। तो सबसे पहले जो मेन कनेक्शन है, इसके कुछ जो नेगेटिव वायर है, हम सबसे पहले नेगेटिव वायर लगाएंगे, वो हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगाएंगे। 5 वायर वाले में हम यहाँ पे पॉजिटिव पे भी लगाते हैं और नेगेटिव पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव पे एक वायर लगती है। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव वायर लगा के आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जो रेड वाली वायर है, ये रेड वाली, ये इसके जो इस चापर के आउटपुट वोल्ट हैं, जो 300 या 200 आउटपुट वोल्ट हैं, उस पे आपने लगानी है। वो इसके यहाँ पे आ रहे हैं, आप अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से होके यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इस कनेक्शन को लगा देना है। इसके बाद जो कनेक्शन है वो है ग्रीन वायर। ये सारे जो 220 वोल्ट वाली प्राइमरी स्टेज है उसमें हमने लगवाने हैं। ये जो 3 कनेक्शन हैं, ये ग्रीन वाली वायर हमने इस कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर इस चापर के प्राइमरी स्टेज में लगा होता है, जो कि 63 वोल्ट 50 वोल्ट का होता है। तो आपने इस पे कनेक्शन लगा देना है इसके पॉजिटिव पे, ठीक है। ये इसका डायोड इधर नीचे लगा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है, तो इस डायोड के पॉजिटिव पे या इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे ये कनेक्शन लगा देना है। ये यहाँ पे हम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से लगा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन लगा रहा हूँ। तो इसके लिए एक और चीज़ है, वो ये है कि इस कनेक्शन के साथ हमने एक और कनेक्शन भी करना है। वो किस लिए, वो मैं आपको
समझाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा वायर जो हमने लगा ली है, ये असल में मेन ट्रिक है। और ये जो सप्लाई काम नहीं करती, वो इसी वजह से काम नहीं करती कि यहाँ पे हम इसको जो बाइसिंग वोल्ट होते हैं, जिसको स्टार्टिंग वोल्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे हम नहीं देते। ये वोल्ट हमने इस कैपेसिटर के 300 वोल्ट से, इसके पॉजिटिव से हमने इसको देने हैं। उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैंने डिटेल से समझाया डायग्राम के ज़रिए कि यहाँ पे हमने 300 के रजिस्टर से लेके या 330 के से लेके आपने 800 के तक एक रजिस्टर लगा देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपको समझ आ रही है, यहाँ से लेकर इस कैपेसिटर तक आपने 330 के वाली रजिस्टर लगा देनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक रजिस्टर लगा दी है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं 304। तो ये आप 300 के की रजिस्टर मैं यहाँ पे लगा दी है, तो ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो इस रजिस्टर के थ्रू मैंने अब इस कैपेसिटर को वोल्ट देने हैं। तो ये कनेक्शन मैं करके आपको सारा दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये कनेक्शन हो गया। अगर आपके पास क्वार्टर वाट की कोई रजिस्टर है, क्वार्टर वाट की, वन वाट की, जो भी रजिस्टर आपको मिल जाए 330 के से लेके 800 के तक, ये याद रखें, जो भी रजिस्टर मिल जाए क्वार्टर वाट में, वन वाट में, हाफ वाट में, तो आप इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर को वोल्ट दे दें, तो आपकी सप्लाई बिल्कुल ऑन हो जाएगी और वर्क करेगी। इसके बाद ये जो दो कनेक्शन रह गए हैं, सफ़ेद और ये जो पीली वायर है, तो इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? ये जो तारे हैं, ये हमने इसके आउटपुट स्टेज पे, यानी कि जहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं, जो ये सर्किट है अगर आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, तो हम ये जो दो वायर हैं ये इस स्टेज में हम लगाएंगे, सेकेंडरी स्टेज में। तो ये जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट का आपको नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पे कैपेसिटर बड़े लगे हैं, यानी कि यहाँ पे 24 वोल्ट हैं, तो आपने 24 वोल्ट पे जंपर कर देने हैं, जो मैंने पहले आपको समझाया था 24 वोल्ट पे। लेकिन यहाँ पे जितने भी सप्लाइयाँ हैं, तकरीबन 99% सप्लाइयाँ 12 वोल्ट की होती हैं, तो इसको हमने यहाँ पे 12 वोल्ट पे ये दो कनेक्शन कर देने हैं। तो आप देख रहे हैं मैं इस कैपेसिटर पे कर रहा हूँ, आप डायोड पे भी कर सकते हैं, अगर डायोड 12 वोल्ट फर्ज कर ये है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और जो सफ़ेद वाली वायर है, ये आप नेगेटिव पे कहाँ कहीं पे भी लगा सकते हैं, इस सब बोर्ड में नेगेटिव आपको जहाँ भी मिल जाए आप वहाँ पर लगा लें। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो ये देखिए ये कनेक्शन हो गए, अब इसके वोल्ट हम चेक करेंगे। मैं आपको इसके वोल्ट भी चेक करके दिखाता हूँ कि ये अब काम कर रहा है या सर्किट या नहीं कर रहा। तो आप देख रहे हैं ये वोल्ट बिल्कुल फिक्स 12 वोल्ट है। तो अब मैं इस एलईडी को ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा कि एलईडी ऑन होती है या नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी। इसके बाद इसमें और कुछ ख़ास नहीं है, बिल्कुल आपने इस जो सप्लाई है इसको आपने सही जगह पे एडजस्ट कर देना है, इसके साथ जो शीट है वो इसमें लगा देनी है, पेपर लगा देना है, ताकि बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो, आर्त ना करे, करंट ना करे। तो बाकी सेफ्टी आपने खुद कर लेनी है। और इसको मैं फिट करके सारा आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो मैंने एलईडी का प्लग ऑन कर दिया है और एलईडी ऑन है। तो आप देख रहे हैं 100% ओके है, 100% रिज़ल्ट है। और ये सप्लाई बिल्कुल कामयाब सप्लाई है, इसमें वोल्ट बिल्कुल फिक्स होते हैं और बिल्कुल लो भी नहीं होते, बिल्कुल सेट होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन को भी ऑन करना, ताकि आपको इस तरह मालूमाती और मुफीद वीडियो मिलती रहे और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।